हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं सैयद रमीस। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे हाउ टू सेट अप डब्ल्यूपी एसएमटीपी मेल सर्वर इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में मोस्टली कैसा है कि अगर आप डिफॉल्ट मेल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका मेल जो है स्पैम में जाए। तो इसीलिए डब्ल्यूपी फॉर्म डब्ल्यूपी एसएमटीपी का एक प्लगइन्स है और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे थ्रू द जीमेल। सो वर्डप्रेस इंटीग्रेशन विद जीमेल, जी सूट आपका अगर बिजनेस ईमेल आईडी है और वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक स्मॉल प्रोसेस है। जीमेल का आपको एपीआई क्रिएट करना पड़ता है। सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम सारी चीज़ें सीखेंगे कि वर्डप्रेस को हम एक स्मूथ हेल्थी ईमेल सर्विस में कैसे कन्वर्ट करें थ्रू द डब्ल्यू पी मेल एस एम टी पी सर्वर एस एम टी पी प्लग इन बाई द जी मेल और जी सूट एंड गूगल वर्क स्पेस जो अभी के रिसेंटली रीनेम हो गया है। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं डब्ल्यू पी मेल एस एम टी पी प्लग इन। सो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। देखिए यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट सेटअप। अच्छा, ये मैं एक बात आपको बता दूं, ये डब्ल्यू पी फॉर्म का प्लगइन्स ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल है एंड डब्ल्यू पी एस एम टी पी डब्ल्यू पी मेल एस एम टी पी ये इन्हीं की जो प्लगइन प्रोवाइडर है इन्हीं का फैमिली में से है, मीन्स लाइक इनके दूसरे प्लगइन्स है तो इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। नहीं तो आप डायरेक्टली प्लगइन्स के अंदर एड न्यू प्लगइन करेंगे एंड डब्ल्यू पी मेल एस एम टी पी प्लगइन सर्च करेंगे तो आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट सेटअप। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। सो ये ईमेल आईडी वगैरह जो है ऑटोमेटिक ले लिया और बाय डिफॉल्ट जो इसमें सेटिंग है वो डिफॉल्ट है जो कि पीएचपी के थ्रू मेल जाता है। सो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें जीमेल सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप फर्स्ट जीमेल पे सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है ये लाइसेंस की मांग रहे हैं। ये फ्री प्लगइन्स है, आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तब आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। एंड ये यहाँ पर हमारा सेंडर ईमेल आईडी है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं एंड मिस चेंज भी कर सकते हैं। फोर्स नेम एंड फ्रॉम नेम, किस नाम से आपका ईमेल जाएगा, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं या कंपनी का नाम है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो अभी जीमेल में आने के लिए जीमेल, जैसे ही हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया जीमेल, जीमेल यहाँ पर ये पूछता है क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट एंड ऑथोराइजेशन यूआरएल। सो ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट आपको बनाना पड़ता है कि किस तरह से वो क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट बनाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमारा अभी हम जाते हैं कि क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सो ये वो ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है, ये फ्रेश अकाउंट है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए मुझे एक्सेप्टेंस मांग रहा है। सो सबसे पहले इस यूआरएल पे कैसे पहुँचेंगे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। सो डायरेक्टली आप वन क्लिक करेंगे आपको ये विंडो आपको नजर आ जाए। सो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करता हूँ एग्री पे क्लिक एंड इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट। यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट जो ऑथोराइज करेगा हमारे उस ईमेल आईडी को थ्रू द वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के। सो यहाँ पर ये इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज़ गूगल क्लाउड। सो यहाँ पर हमें ये कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द आवर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर ये देख रहे होगे आप टू व्यू दिस पेज सेलेक्ट प्रोजेक्ट, तो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, ये फ्रेश अकाउंट है तो हम यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम यहाँ पर ये एक नाम डाल देते हैं हमारे प्रोजेक्ट का, डब्ल्यू पी मेल एस एम टी पी तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इनेबल एपीआई जीमेल, यू आर अबाउट टू इनेबलिंग जीमेल एपीआई। तो जीमेल के थ्रू हमारा मेल सेंड होता है, यहाँ पर हम इनेबल कर रहे हैं इसको।
यहाँ पर हमारा जीमेल का एपीआई इनेबल हो चुका है। सो आप लेफ्ट साइड के मेनू में देख सकते हैं एपीआई एंड सर्विसेज, उसके आगे हमें दिखाता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमें दिखाएगा, उसके बाद लाइब्रेरी एंड क्रेडेंशियल। सो यहाँ पर हमें कोई भी क्रेडेंशियल अभी हमारा है अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्रेडेंशियल्स के अंदर हमें यहाँ पर करना है क्रिएट ए क्रेडेंशियल, ये ऊपर बटन दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन में पूछेगा एपीआई की ओऑथ क्लाइंट आईडी। सो ओऑथ क्लाइंट आईडी जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसी को क्रिएट करना है जिसके थ्रू से हम अपने वेबसाइट के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन यहाँ पर ये पूछ रहा है एक ड्रॉप डाउन, इसमें एप्लीकेशन टाइप पूछा है, तो हमारे जो एप्लीकेशन टाइप है ये बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड, क्रोम, आईओएस। तो हमारा जो है वो डेस्कटॉप ऐप के लिए भी है, वेब एप्लीकेशन है जो हमारी वेबसाइट का है। यहाँ पर हमें दे देना है नाम वेब क्लाइंट का जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम, ये हमारा DE एक्सटेंशन जो हमारी वेबसाइट का डोमेन का एक्सटेंशन है वो हमने यूटिलाइज किया है, और अथोराइज जावा स्क्रिप्ट ऑरिजिन एंड रीडायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट URI। सो यहाँ पर हम अथोराइज रीडायरेक्ट URI को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें जो URL देना है वो हमारा मिलेगा आपको अथोराइज रीडायरेक्ट URI, ये आपके वर्डप्रेस पैनल के अंदर ही मिलेगा, तो यहाँ से जस्ट हमें इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है, एंड इसके बाद क्रिएट करेंगे। सो ये अथोराइज रीडायरेक्ट URI हमारा जनरेट हो जाता है। सो यहाँ पर हमें क्लाइंट आईडी मिल गया, क्लाइंट सीक्रेट मिल गया, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, एंड इसी को हम कॉपी करेंगे और हमारे वर्डप्रेस साइट के अंदर हम पेस्ट कर देंगे योर क्लाइंट आईडी। सो यहाँ पर हम क्लाइंट आईडी दे देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एंड क्लाइंट सीक्रेट भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये प्राइवेट है इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, एंड इसको सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एंड देन उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप बचेगा अथोराइजेशन फॉर दिस प्लगइन। सो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक अलाउ प्लगइन टू सेंड ईमेल यूजिंग योर गूगल अकाउंट, सो इस प्लगइन को अलाउ करना है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जीमेल में लॉगिन करने के लिए लेकर जाएगा, और यहाँ पर हमें इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से ये अलाउ पे क्लिक करना है, तो ये ईमेल्स हमारा जीमेल के अंदर लॉगिन करेगा थ्रू आवर क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। और यहाँ पर हम इसको अगेंस्ट अगर हमें रिमूव करना है कनेक्शन तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। सो अभी हम लेट चेक एक टेस्ट मेल सेंड करके देखते हैं ये सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें सक्सेसफुल मैसेज तो दिखा दिया है, अगर कोई भी एरर रहेगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो टेस्ट मेल माइट हैव सेंड बट इट्स डिलीवरेबिलिटी कुड नॉट बी इम्प्रूव। सो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि SPF रिकॉर्ड जो है वो हमारी साइट पर सेटअप नहीं है, सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। और SPF के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चाहिए तो उसको देख लेते हैं, और इसको भी मैं फर्दर इम्प्रूव करता हूँ कि किस तरह से हम SPF रिकॉर्ड इस सर्वर पर हम ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।